कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ आपको, बोलो जी माता दी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल मैप पर अपना घर कैसे डाले, ये लो उठाया डाल दिया। अरे नहीं, उसमें बताया है, आप देख उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो किस तरह से आप गूगल मैप पर अपना जो हम होम डाले, घर डाले, कैसे डाले, ये तो मैंने उस वीडियो में बताया था। अब उसके उस वीडियो में मैंने कहा था इसको अप्रूवल देता है जो गूगल मैप। ऐसे आपने वहां से अपना मिसिंग प्लेस ऐड किया तो ऐड नहीं हो जाता है, आपको जो है सभी के फोन्स पर दिखे और उसको अप्रूवल लेना पड़ता है। वो अप्रूवल कैसे मिलता है, मैंने कहा था कि ईमेल आएगी, लेकिन जो है आजकल कॉल भी आने लग गई है। तो आजकल जो है कॉल आई है, मेरे पास भी कॉल आई थी गूगल मैप के थ्रू कि किस तरह की कॉलिंग जो है वो आप में कॉल करते हैं। तो उस कॉल रिकॉर्डिंग को मैं आपको आज इस वीडियो में सुनाऊंगा लास्ट में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और सबसे पहले वो ईमेल एड्रेस बताऊंगा कि किस तरह का कंफर्मेशन ईमेल आता है आपको गूगल मैप पर डालने के लिए। तो सबसे पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो ये है कि आपने जो अपना वीडियो बनाया है, मान लीजिए आपने जो भी मतलब कि आपने जो अपना मिसिंग पैलेस एड किया है उसके अंदर, तो सबसे पहले बिल्कुल जो इमेज है उसकी, जो उसकी मतलब उस बिजनेस से रिलेटेड या उस स्थान से रिलेटेड जो भी इमेजेस है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। आपकी आप अपनी पर्सनल इमेज ना दे, मतलब अपनी पर्सनल फोटो ना दे, मतलब फोटोज ना दे। और उसी के साथ साथ आप यदि अगर अपनी पर्सनल फोटोज देना चाहते हैं तो बाद में दीजिए, यदि आप उस बिजनेस के ओनर है तो बाद में दीजिए। और उस नीचे लिखिए हैशटैग ओनर, मतलब मैं इस बिजनेस का जो है ओनर हूँ। और उसी के साथ साथ आपको क्या करना होगा, अपना जो एड्रेस है वो लोकेशन बिल्कुल राइट डालना होगा। लेकिन अब कॉल क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ। कॉल इसलिए कर रहे हैं, हम क्या करते हैं कि मिसिंग प्लेस के समय जो स्पेलिंग्स वगैरह वो मिस्टेक कर देते हैं, या फिर जो एड्रेस वगैरह बिल्कुल परफेक्ट नहीं डालते हैं। उसी के साथ साथ जो जो गूगल मैप का जो लोकल गाइड है वो उनसे सलाह लेता है कि ये पहले से हमारे गूगल मैप में ऐड हुआ है, तो उन लोकल गाइडों को पूछता है। जैसे कि मैं अभी गूगल मैप का लोकल गाइड हूँ तो मेरे पास भी अप्रूवल आते हैं काफी, जैसे कि अभी जो 3-4 अप्रूवल अभी आए थे, जैसे सीएम सूर्या जो कॉलोनी है उसका आया था, और जो दुल्हन ब्यूटी पार्लर पर हमारे गाँव में है उसका अप्रूवल आया था, जो सुरपुरा वाले शॉप है उनका अप्रूवल, इस तरह से उनका अप्रूवल मैंने दिया है कि काफी अच्छा है, जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन डाली है वो अच्छी है। इस तरह 4-5 लोकल गाइड्स होते हैं यूट्यूब इसके मैप्स के, मतलब हर एक विलेज से 4-5 गाइड्स होते हैं, वो गाइड्स अप्रूवल देते ही वो कॉल आपके पास आ जाएगी। यदि आपने बिल्कुल सही डाला है तो गूगल मैप भी चेक करता है, ये नहीं कि यार गाइड हमें नहीं बताया तो क्या होगा, तो गूगल मैप सब कुछ चेक करता है, बिल्कुल देखता है, उसके बाद में आपको कॉल जरूर करता है और आपको एक मतलब आईडी दे देता है अपनी, जो है अपनी जो आईडी एक्सेस करवाता है, और वो आपको किसी जो है वेबसाइट पर लेकर चलता है, वो आपको जैसे जैसे बताए वैसे वैसे करते जाए, तब वो आपका एक आईडी एक्सेस कर देता है। जैसे जैसे आप पोस्ट वगैरह उस पर डालते जाओगे वैसे वैसे आपका बिजनेस जो है लंबा बढ़ता जाएगा। तो अब सुन लीजिए वो कॉल रिकॉर्डिंग कैसी है वो मैं बता देता हूँ, किस तरह से कॉल की थी। तो पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए, उससे पहले आप ये ईमेल जो सामने देख रहे हैं कन्फर्मेशन ईमेल है, इस तरह से आपको इनको कंफर्म करना है। उसी के साथ अब आप इसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है वो रिकॉर्डिंग पूरी सुनिए। ओनर आप ही हैं सर इस बिजनेस के? हाँ सर। ठीक है, आपका नाम जान सकते हो? शंकर कुमावत। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये कॉल रिकॉर्ड की जा रही है क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पस के लिए। ओके सर। आपके पास अभी इंटरनेट होगा सर? 2 मिनट के लिए इंटरनेट यूज कर पाएंगे, जिससे कि प्रोफाइल का एक्सेस हम आपको दे सके। ओके सर। ठीक है, स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ, 2 से 3 मिनट का प्रोसेस होगा सर। ये इंटरनेट ब्राउजर ओपन करके उसमें google.com खोल लीजिए। ओके जी। हाँ सर, आगे गूगल ओपन हो गया सर? यस सर। ठीक है, गूगल सर्च में टाइप करिए INPIN, इन पिन लिख के सर्च कर दीजिए सर। INT नहीं सर, पी से पंजाब वाला पी। अच्छा, INPIN। हाँ जी। ओके सर, आगे सर्च करिए इसको। सर्च करने पे सबसे पहले एक वेबसाइट आ रही होगी, business.google.com @pvp। हाँ सर। उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ओके सर, क्लिक कर दिया। ठीक है। ओके सर, अभी क्या आ रहा है? पिन नंबर मांग रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे एंटर करने के लिए पिन नंबर मैं भी बताऊंगा आपको, और जो आपकी जीमेल आईडी लॉगिन है ब्राउजर में उसी आईडी से प्रोफाइल रजिस्टर हो जाएगी। जो आईडी लॉगिन है सर वो आप ही की है? हाँ सर। ठीक है, पिन नंबर बताने से पहले मुझे एक बार एड्रेस बता दीजिए बिजनेस का वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए सर एड्रेस लिखिए जी, जिला सीकर राजस्थान, जिला सीकर गाँव प्रचार। ओके। गौरवपथ मकान नंबर 6। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए धन्यवाद, एड्रेस मैच हो गया। पिन नंबर मैं अब आपको बता रहा हूँ, कैपिटल्स में लिखना है, बड़े अक्षरों में, और ये 9 डिजिट का पिन नंबर है सर। ओके सर।
है, पिन नंबर लिखिए सबसे पहले ए, ए एज इन अमेरिका वाला ए, ए ए के बाद सेवन, नंबर सेवन, सेवन यू, यू एज इन उत्तरांचल, यू हाँ जी, यू के बाद एच, एच एज इन हिमाचल, एच, एच के बाद आर, आर फॉर राजस्थान, आर, जे, जे फॉर जयपुर, जे, जे के बाद नंबर है नंबर टू, टू, के, के एज इन कर्नाटका, के, के बाद टी, टी एज इन तमिलनाडु। ओके गेट स्टार्टेड कर दीजिए सर। ओके सर, हाँ सर आगे बिजनेस का नाम आ गया होगा अभी। हाँ सर ठीक है, नीचे नेक्स्ट आ रहा होगा, नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ सर नेक्स्ट हो गया। हाँ सर हो गया। अभी क्या आ रहा है? अभी इसने मेरा एड्रेस बता रहा है, गौरवपति इंडिया 54, पिन कोड मांग रहा है। और पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे। सर और नेक्स्ट कर लिया सर अभी। अब लोकेशन मांग रहा है, लोकेशन पहले से अपडेटेड है, नेक्स्ट कर दीजिए। ओके सर, अब ये पूछ रहा है सर्विस एरिया, इसमें सेकंड ऑप्शन है डिस्टेंस अराउंड योर बिजनेस लोकेशन। ओके सर, इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे किलोमीटर्स में नंबर डालिए, कितने किलोमीटर्स में आप सर्विस देते हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ओके सर, और नेक्स्ट करिए। हाँ सर आगे स्कूल बता रहा है इसमें बिजनेस कैटेगरी में, तो चेंज करिए सर। हाँ सर, स्कूल हटा दीजिए और यहाँ पे कैटरिंग टाइप करिए, सी ए टी ई आर, सी ए टी ई आर आई एन जी, सी ए टी ई आर नहीं, कैटरर, केवल आप जब कैटर लिखेंगे तो नीचे कैटरिंग की कैटेगरीज आ जाएंगी, उसमें से कैटरर सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहले वाले जो ऑप्शन आएगा। ओके सर कर लिया। नेक्स्ट करिए। ओके सर नेक्स्ट कर लिया। ठीक है, अभी क्या आ रहा है? अभी मेरे मोबाइल नंबर आ रहे हो और करंट मोबाइल वेबसाइट मांग रहा है, वेबसाइट यूआरएल। और ठीक है नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पे। ओके सर फिनिश बोल रहा है, फिनिश कर दीजिए सर, नीचे फिनिश का बटन आ रहा होगा। ओके सर कर दिया। ओके हो रही है सर। ठीक है, इसमें एक पेज खुला है माय बिजनेस का। ओके ओके सर आगे अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और तो पेज अच्छे से खुला ही नहीं, सिर्फ माय बिजनेस लिखा हुआ आ रहा, आगे कुछ नहीं दिखा रहा। अभी प्रोसेसिंग हो रही है सर। हाँ सर फिनिश तो हो चुका, उसके बाद में क्या करना है? नेट थोड़ा अटक गया, कॉल चल रही है ना, इसलिए एक बार बैक करिए। ओके अभी फिनिश पे दोबारा क्लिक करिए सर। हाँ सर कर दिया। हाँ सर फिनिश हो गया, उसके बाद में माय बिजनेस लिखा हुआ रहा, गई है वेबसाइट खुल नहीं रही, इंटरनेट की दिक्कत के कारण ये कॉल चालू है ना, इसलिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर, अभी तक तो ये आगे सही चल रहा था सर। अभी जो है नेट लेना बंद कर दिया, इंटरनेट के नेटवर्क नहीं आ रहे अभी। हाँ सर इंटरनेट के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट पे आके अटक गया सर। हाँ सर एक बार दोबारा ट्राई कर। अच्छा अभी जो नेटवर्क जैसे आप दिखाते हैं इंटरनेट के 3G 4G 2G, तो क्या दिखा रहे अभी सर? बिल्कुल नहीं, 3G 2G दोनों गायब हो गए। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं कॉल काट रहा हूँ और आपको एक मिनट के अंदर दोबारा कॉल करूँ, तब तक आप एक बार बैक करके दोबारा फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। ओके सर थैंक यू। ठीक है, मैं कॉल काट के एक मिनट बाद कॉल कर रहा हूँ सर आपको। ओके सर कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ सर फिनिश हो गया, अभी होम पेज आ गया होगा आपका। हाँ सर यहाँ पर बता रहा है कम्प्लीट और लिस्टेड और गेट स्टार्टेड कुछ ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है सर, अब आपकी लोकेशन वेरीफाई हो गई है और आपकी जो प्रोफाइल है इसका एक्सेस मिल गया आपको आपकी जीमेल आईडी पे। अब आप कभी भी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें आपने जो पहले फोटोज डाली थी वो आपने अपनी पर्सनल फोटो डाली थी सर,
तो वैसी फोटो नहीं डालनी चाहिए यहाँ पे आपको, वैसी फोटो नहीं डालनी होती है सर, यहाँ पे बिजनेस की फोटो आपको डालनी है। ओके सर, बिजनेस रिलेटेड फोटोज में यहाँ पर एड कर दूँ इनमें। हाँ जी, और ये सब आप एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं, इसकी एक मोबाइल एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, एप्लीकेशन का नाम है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस, ओके सर। और एक कंफर्मेशन ईमेल भी आएगी आपके पास जीमेल आईडी पे आपकी, उसमें लिखा होगा कि बिजनेस वेरीफाई हो गया आपका, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। ओके सर, ठीक है, और कोई जानकारी चाहते हैं सर अभी? नहीं सर, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा सर, गूगल माई बिजनेस के नाम से। ठीक है, और जितना ज्यादा आप इसको यूज करेंगे, एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे, उसमें फोटोज डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, उतना ही ज्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा और बिजनेस की रेपुटेशन भी बढ़ेगी। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। और कोई जानकारी चाहते हैं सर अभी? नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू फॉर। तो दोस्तों, इस वीडियो में थी एक छोटी सी जानकारी, आपके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि आप कहते हैं कि यार अप्रूवल नहीं मिल रहा था, तो हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिल पा रहा था, वो इसका कारण है। आप बिल्कुल सही जानकारी दीजिए, बिल्कुल सटीक ईमेल दीजिए, जो जानकारी आपने दी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। जो आप कुछ भी गलत करने की कोशिश मत कीजिए। आप क्या करते हैं, फेकोलॉजी करने लग जाते हैं, अपनी फोटो डालने लग जाते हैं, गूगल तो हमारी फोटो दिखाएगा, वाह यार मैं कितना हैंडसम दिखूंगा, इस तरह की इमेज आप ना डाला कीजिए, क्योंकि आपको अपना बिजनेस चलाना है, अपना काम करना है, अपने धंधे के साथ, अपने काम के साथ ईमानदारी रखिए। यदि आप ईमानदारी रखते हैं तो आपका बिजनेस जरूर आगे बढ़ता है। आपको जो है अपने राइट ले लेना है, तो बिल्कुल आपके पास कॉल्स आएगी, ये कोई फेकोलॉजी कॉल नहीं थी। अभी कुछ देखेंगे कमेंट आएंगे जो कि यार ये तो आपने कॉल रिकॉर्डिंग करके रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जो है राइट कॉल है। और जो मैंने बताया है उसमें बता रखा है कि इस तरह से इस वेबसाइट पर जाइए, आप जाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल वो राइट है, बिल्कुल सही है। तो इसकी जो है मैंने सत्यता की जांच के लिए, सॉरी, जो इसकी किस तरह से जो है कंफर्मेशन था उसके लिए मैंने आपके पास ये इमेज भेजी है, थोड़ी ज्यादा हिंदी होगी। तो चलिए दोस्तों, मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।